सर, आपने ये बुक रिकमेंड की थी अपने कुछ स्पिरिचुअल सेशंस में, हिंट्स इन मिंग, तो आई वाज गोइंग थ्रू इट. मैं रीड कर रही थी तो आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस बुक को लेकर के, इज़ इट इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. एंड कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी डीप हैं और उतना डीप मैं नहीं देख पा रही हूँ चीज़ों को, तो वो आपसे क्लियर करना था थोड़ा सा. राइट, सो इट स्टार्ट्स विद द ग्रेट वे इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज नॉट अटैच टू प्रेफरेंसेस. अब मैंने इसको तीन स्टैंड पॉइंट से समझा है, इस एक लाइन को, तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर. तीनों स्टैंड पॉइंट्स कनेक्टेड हैं आपस में. तो प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेफरेंसेस हमारे सही गलत, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, अगर हम इनको कुछ कैटेगरीज में रखें, और उसका बेस लाइन क्या है, थॉट. अब थॉट के बारे में हमने काफ़ी सेशंस में आपने समझाया है कि व्हाट इज़ थॉट, थॉट क्या होता है, कहाँ से आता है. तो जितनी भी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, एवर इनकमिंग इंफॉर्मेशंस, एंड जो इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी हैं उनका कुछ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को हम बोल सकते हैं थॉट. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि थॉट है या लाइक्स डिसलाइक्स हैं या पसंद नापसंद है, अच्छा बुरा है, सही गलत है, क्योंकि द बेस लाइन, द फाउंडेशन ऑफ एक्टिंग टूवर्ड्स एनी थिंग एंड एवरी थिंग इज़ बेस्ड ऑन दैट डिज़ायर ओनली, इज़ बेस्ड ऑन दैट प्रेफरेंस ओनली. वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी, अगर वो एक डायरेक्शन नहीं होगी लाइफ में चलने के लिए. मतलब बिना प्रेफरेंसेस के क्या हम इमेजिन कर सकते हैं लाइफ को. बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात कही जा रही है कि नॉट अटैच्ड टू प्रेफरेंसेस, कि थॉट आया दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो अपने आप आया है बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशंस. कहीं कुछ देखा होगा, सुना होगा, कुछ पहले की अनकॉन्शियस में इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, वो मिल गई और कुछ आ गया, सामने आ गया, तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि थॉट आया. प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा थॉट कैसे आया, मुझे थॉट नहीं आना चाहिए था, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया. तो यहाँ पर मी आ गया, जबकि एक्चुअली में व्हाट इज़ मी, मी इज़ ऑल्सो थॉट. बट यहाँ पर उस मी को मैंने एक सेपरेट कंट्रोलर की तरह रखा हुआ है, एक सेपरेट आइडेंटिटी की तरह रखा हुआ है. तो एक तो ये स्टैंड पॉइंट हो गया इसका, इसी से रिलेटेड दूसरा स्टैंड पॉइंट. आपने एक रिसेंट सेशन में एक बात करी थी कप की, कि ये जो एक कप है इसको अगर मैं अपने प्रेफरेंसेस के थ्रू देखूंगी बहुत रिजिडली, तो मैं इसको दो तरीके से देखूंगी. या तो मैं बोलूंगी कि अरे वाह, ये तो कितना महंगा कप है, इतना अच्छा डिज़ाइनर कप है, तो बहुत महंगा होगा, बहुत ही अच्छा है, बाकी तो बेकार है. या फिर मैं बोलूँगी इतना भी क्या अच्छा है, सोना चांदी का थोड़ी है, नॉर्मल कप भी तो है, इससे भी अच्छे होते हैं. तो अब जब मैं बहुत रिजिडली इन दोनों व्यू पॉइंट्स में हो करके चीज़ों को देखूंगी, तो एज इट इज़ नहीं देखूंगी कभी भी कि कप का मटेरियल कॉस्ट क्या है. तो वही बात की जा रही है कि द ग्रेट वे इज़ नॉट डिफिकल्ट व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड टू प्रेफरेंसेस. अब तीसरा स्टैंड पॉइंट, इसको स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि अगर हम अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, इन द सेंस कि मुझे ये पसंद है, इस तरीके की चीज़ मुझे पसंद है, फॉर एग्जांपल मुझे मुझे अच्छी रिलेशनशिप्स पसंद है, मान लेते हैं. तो अब स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अगर मैं सटल से सटल भी एक मोटिव लेकर जा रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, सच को जानने के थ्रू मुझे ये करना है, वो आइडियाज़ लाइक थॉटलेस होना है या लिबरेटेड होना है या सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा मेरी लाइफ में, मेरे को गुस्सा आना बंद हो जाएगा, ये सारे आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ अगेन विच इज़ थॉट. तो वो रिवॉर्ड ड्रिवन हो जाएगा, मतलब वहाँ पर मेरा जो फोकस रहेगा वो सत्य पर नहीं रहेगा, ट्रूथ पर नहीं रहेगा, वो रहेगा द आउटकम विच आई एम गेटिंग थ्रू दैट इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ, विच आई एम सेइंग की इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ. बट अगर ट्रूथ को ट्रूथ के लिए देख रही हूँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, विदाउट एनी पर्सनल मोटिव, अब ये हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सटल से सटल मोटिव रहता है. इतना तो रहता ही है कि पीस ऑफ माइंड मिले, बेसिक से बेसिक. तो ये मुझे लग रहा था कि शायद इसमें ये स्टैंड पॉइंट कहा जा रहा है कि वेन वी आर प्रेफरेंसेज आर नॉट अ प्रॉब्लम, बट वेन वी आर टू अटैच्ड विद देम देन इट इज़ डिफिकल्ट. तो ये इस लाइन का मेरे अकॉर्डिंग मीनिंग मैंने निकाला था. अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है. If you look at the truth with any preference, you will not be able to look at the truth. You will not be able to look at the reality as it is. अब हो क्या रहा है यहाँ पे, गड़बड़ क्या हो रही है आपकी बात
सुन करके जो मुझे समझ आई है कि आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, एक है एक्शन, एक है अंडरस्टैंडिंग। एक्शन क्या है, इस दुनिया में जैसे हमको ऑपरेट करना है, एक्ट करना है, तो वहां पे तो प्रेफरेंसेस जरूरी है ताकि एक इंसान को फर्क पता हो गुड स्मेल में बैड स्मेल में। अगर और बेसिक लेवल पे देखूं, ताकि एक इंसान को फर्क पता हो एक जहरीले सांप में और एक ऐसे जानवर में जो कि हार्मलेस है, या एक ऐसे पौधे में जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है और किसी ऐसे पौधे में जो हमारी हेल्थ के लिए बुरी है, जिसको खा करके मर सकते हैं, जिसमें जहर है। तो जब भी हम इस दुनिया में ऑपरेट करते हैं तो प्रेफरेंसेस जरूरी हैं, ताकि हमको फर्क पता हो कि कौन इंसान किस मोटिव से हमारे साथ में जुड़ रहा है, यानी उसकी जो नियत है वो नियत उसकी खराब है या उसकी नियत सही है। तो ये क्या हो गया, प्रेफरेंसेस ही तो हो गए। तो एक के पास जा रहे हैं, एक से दूर जा रहे हैं, एक के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एक को अवॉइड कर रहे हैं। तो वहां पे प्रेफरेंसेस जरूरी है। सामने खाई है, वहां पे नहीं कूदना है, और यहां पर खाई नहीं है, इस तरफ चलना है, ये क्या है, प्रेफरेंसेस ही तो है। दीज आर प्रेफरेंसेस कि इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये सब किस रेल्म में आ गया, एक्शन में, कि इस दुनिया में जैसे हमको ऑपरेट करना है। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, एब्सोल्यूटली नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। अब हो क्या रहा है, हम अपनी ये जो लाइफ है इसको बेटर करना चाहते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी। ये क्या हो गया, एक मोटिव हो गया, ये एक प्रेफरेंस है। अगर इस प्रेफरेंस के थ्रू आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी समझने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में कुछ भी बेटर नहीं होता है। ये जो कहानियां हम सुनते हैं ना कि ये होने के बाद में, सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट होने के बाद में ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता है, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। सो एक हो गई हमारी ये दुनिया जहां पर कि हम ऑपरेट करते हैं। कैसे ऑपरेट करोगे, जैसे कि हमारी बॉडी है, अब हमें पता है इस बॉडी से हम उड़ नहीं सकते हैं, चल सकते हैं, तो जो ये ऑपरेशन का लेवल है, यानी ये जो लेवल है जहां पर हम एक्शन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं दुनिया में, उसके बारे में ये बुक नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं करी जा रही इस पूरी की पूरी बुक में। तो अगर इसको हमने कहीं भी इस वर्ल्ड से, यानी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करी तो ये सारे फंडे बेकार हैं। यू आर सेइंग नॉट अटैच्ड टू प्रेफरेंसेस, हाउ कैन यू बी नॉट अटैच्ड टू प्रेफरेंसेस? प्रेफरेंसेस होने का मतलब यही है, यू आर अटैच्ड टू प्रेफरेंसेस। विदाउट अटैचमेंट वेयर इज अ प्रेफरेंस? इफ यू हैव अ प्रेफरेंस दैट मींस यू आर अटैच्ड टू अ प्रेफरेंस। जैसे ये गंदा है, ये अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है, इसका बुरा है। अब व्हाट यू आर सेइंग इज कि प्रेफरेंस तो हो लेकिन मैं अटैच ना हूं। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि क्या जो गंदा है वो खाने लग जाओगे? नहीं, ये नहीं मतलब, मतलब कि वी आर अवेयर ऑफ दोज प्रेफरेंसेस। जब हम किसी भी चीज़ को लेकर के अवेयर हो जाते हैं, जैसे कप वाला एग्जांपल ठीक है, पता नहीं कितना रेलेवेंट है, बट प्रेफरेंसेस हैं, हमें पता है, और उनकी लिमिटेशन भी पता है, वो भी तो बदलते हैं वक्त के साथ। अगर हम देखें, थॉट है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, कभी कुछ अच्छा लगता था, अब वो अच्छा नहीं लगता। तो अटैच हम तब होते हैं जब हमें वही पूरा का पूरा सत्य लग रहा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। बट वेन वी आर अवेयर ऑफ देयर ओन लिमिटेशन, थॉट की खुद की लिमिटेशन जब हम देख रहे होते हैं कि थॉट जो है वो अपने आप आता है, अपने आप जाता है। बट जब हम एक सेपरेट कंट्रोलर बना लेते हैं अपने माइंड में, कि जैसे वो गुस्से वाला एग्जांपल, कि गुस्सा तो आया ठीक है, और ये भी थॉट आया कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वेन वी आर लाइक टू अटैच टू दैट थॉट कि नहीं आना चाहिए, वो इंटरप्रिटेशन हो गया, और वो मैंने अपने पे ले लिया कि मुझे आया, मुझे कैसे आ गया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे ऐसा थॉट कैसे आ गया। अगर मैं उसको सिर्फ थॉट की तरह देखूँ कि ठीक है, अगर मुझे पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, थॉट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ऐसे आता है ऐसे जाता है, तो शायद वो इतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा थॉट का। दैट इज द प्रॉब्लम। देखो ध्यान से समझो, अब क्या कर रहे हो, यू आर अननेसेसरली मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड टू अराइव टू अ मोटिव जो पहले से ही एक हिडन है अंदर। वो हिडन क्या है, कि ये सब कुछ होगा लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस मैं पे फर्क नहीं पड़ेगा, किस मैं को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? वो मैं उस सारे थॉट से, उस एक्शन से सबसे अलग है ही नहीं। तो इसका बुक का कनेक्शन उस सबसे नहीं है जिससे हम इसको रिलेट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा पहले था, पहले गुस्सा आता था, ये पढ़ने के बाद भी गुस्सा आएगा, ठीक है। पहले आप बुरे थे, एनलाइटनमेंट के बाद भी बुरे हो, पहले लालच था बाद में भी है, कुछ भी नहीं बदला। अब बोलो क्या रह गया, सारी उम्मीद टूट गई। फिर अब सवाल उठेगा, ये बुक पढ़नी क्यों है, फिर जानना ही क्यों है सच को, जब कुछ होता ही नहीं है? तो इसलिए जानना है क्योंकि आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो हु एम आई,
जैसे एक बच्चा है वो जानना चाहता है कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ऐसे ही हमारे अंदर एक बच्चा है जो जानना चाहता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेट करते चले जा रहे हैं अपने माइंड में। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, इसी को प्रेफरेंस बोलते हैं। यू आर थिंकिंग कि प्रेफरेंस तो हो लेकिन अटैचमेंट ना हो। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा मैं पूछूंगा? प्रेफरेंस मींस अटैचमेंट। विदाउट अटैचमेंट देयर इज नो प्रेफरेंस, एंड विदाउट प्रेफरेंस देयर इज नो अटैचमेंट। ये कोई दो अलग अलग चीजें थोड़ी है। अब हम अपने माइंड में क्या कर रहे हैं, तीसरा कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि प्रेफरेंस तो है लेकिन अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू आर ऑपरेटिंग, तो प्रेफरेंसेस भी हैं। कुछ लोग आपको अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे लगेंगे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ दुश्मन होंगे, कुछ लोग आपको हार्म करेंगे, कुछ को आप हार्म करोगे। आपको बुरा भी लगेगा, कभी अच्छा भी लगेगा, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं बदलता। तो पहले तो इस एक्सपेक्टेशन को जीरो कर दो, ये आपकी प्रेफरेंस है, इसको जीरो कर दो कि किसी तरीके से प्रेफरेंसेस तो रहेंगे लेकिन अटैचमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे प्रेफरेंसेस इज अटैचमेंट, अटैचमेंट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रेफरेंसेस। एंड प्रेफरेंसेस का बेसिस क्या है? थॉट। तो थॉट भी रहेंगे, फीलिंग्स भी रहेंगी, इमोशंस भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर अब सवाल उठ रहा है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस। तो सच को जानना मतलब किसी चीज को समझना। जैसे अगर आपने समझ भी लिया कि ये कब क्या है, उससे क्या बदल जाएगा आपकी लाइफ में, ये बता दो मुझे। तो कुछ बदलता है क्या? कुछ नहीं बदलता है। ऐसे ही अगर आपने खुद को जान भी लिया तो फंडामेंटली कुछ नहीं बदलता है। हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ बदल जाएगा, हम संत महात्मा हो जाएंगे, या फिर हम बहुत अच्छे इंसान हो जाएंगे, पहले हम बुरे थे अब हम अच्छे हो जाएंगे, पहले हम नॉन स्पिरिचुअल थे अब हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, पहले हमारे अंदर एक मैं था सेपरेट, अब कोई मैं नहीं होगा। अरे मैं नहीं होगा तो ऑपरेशन कैसे होगा, मतलब इस दुनिया में हम ऑपरेट कैसे करेंगे? सब कुछ होगा ना, मैं भी होगा, गुस्सा भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो पहले तो इस बदलने की चाह को अपने अंदर से हटा दो। कुछ भी बदलने की चाह, कुछ भी मिटाने की चाह, कुछ भी पाने की चाह, तो इसको हमने जब हटा दिया तो अब हम प्रेफरेंसेस से फ्री हो गए। मतलब अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं चाहिए तो कोई डर भी नहीं है। अभी आपने बोला कि प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो उन्हीं के बेस पे हम एक्ट करते हैं, और वही अटैचमेंट भी होता है, वो खत्म नहीं हो सकता। अब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं वो भी कंडीशनिंग के थ्रू हैं, प्रेजेंट, वो भी थॉट हैं, वो भी आइडियाज़ हैं। तो जब हम उन आइडियाज़ को नहीं हटा सकते, हम बात कर रहे हैं कि उन आइडियाज़ को हम नहीं हटा सकते, बिकॉज थॉट तो थॉट है, वो तो आएगा जाएगा, उसका तो अपना काम चल रहा है, मैं नहीं कर रही। तो ये वाले थॉट्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वाले, ये भी मैंने कहीं से सुना होगा। जैसे मैं अब एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब आपके सेशंस में मैंने दो चार चीज़ें सुनी जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर उससे एक कंपैरिजन आया। मैं बिल्कुल फ्रैंकली बता रही हूँ, जैसे हम बात करते हैं ना, सफरिंग खत्म हो जाती है, दुख खत्म हो जाता है, या वननेस की एक एक्सपीरियंस होता है, या आपने वो कहते सपने नहीं आते आपको। तो अब ये जो आपने बोली बातें, आपने बोली, लेकिन हमारे को सपने भी आते हैं, हमारे को कोई वननेस का भी एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी कोई ऐसी नज़र भी नहीं बदली है, हमारी तो सफरिंग भी ख़त्म नहीं हुई है। तो वो आउटकम अपने आप वो क्रिएट हो गया, और ये सिर्फ मतलब आपके थ्रू नहीं, हर जगह से आ रहा है। तो अगर वो भी एक थॉट ही है, तो अगर उस थॉट से कोई पीछा छुड़ाने का कोई तरीका नहीं है, हम कह रहे हैं वो तो थॉट अपने आप आता जाता है, तो ये भी तो थॉट अपने आप आएगा जाएगा। फिर जो भी मैं कहता हूँ वो किस स्टैंड पॉइंट से कहता हूँ, पहले तो उसको समझना पड़ेगा किस लेवल पे सफरिंग रहती है और किस लेवल पे खत्म होती है। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे खत्म हो जाती है, क्योंकि और क्वेश्चंस उठने बंद हो जाते हैं। बट व्हाट यू आर थिंकिंग इज सफरिंग एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, वो खत्म हो जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। मतलब डिजायर्स भी रहते हैं, फियर्स भी रहते हैं, एट द लेवल ऑफ ऑपरेशन, एट द लेवल ऑफ एक्शन। अब मैं ऑपरेशन कहूँ, एक्शन कहूँ, यहीं पे वर्ड्स की लिमिटेशन आ जाती है, बिकॉज द मोमेंट आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, आई एम नॉट श्योर आप उसको कैसे देख रहे हो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हाइट पे जाकर के आप खड़े होगे, मैं खड़ा होऊंगा, तो मुझे भी डर लगेगा, आपको भी लगेगा। ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई डर नहीं है, बल्कि हो सकता है वो इंसान जिसको प्रैक्टिस हो, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर को बाहर से पेंट करते हैं, तो वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, उनको डर नहीं लगता है, उनको नहीं लगेगा, तो क्या वो स्पिरिचुअल है और मैं नॉन स्पिरिचुअल हूँ? सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, एक है एट द लेवल ऑफ एक्शन, एक्शन के लेवल पे कुछ नहीं बदलता है, ठीक है,
एक है एट द लेवल ऑफ योर इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, उस लेवल पे भी कुछ नहीं बदलता है. एक है एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, उस लेवल पे सब कुछ बदल जाता है. अब बात आती है कि इस दुनिया में मैं कह रहा हूं कि हम प्रेफरेंसेस से फ्री नहीं हो सकते, तो किस स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि प्रेफरेंसेस बनते कैसे हैं? प्रैक्टिस से बनते हैं. जिस तरह से आप एक्ट करते रहते हो वही आपके प्रेफरेंसेस बन जाते हैं. तो क्या इस दुनिया में लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होते हैं? होते हैं, क्यों नहीं होते? कोई आज किसी का वेट बहुत ज्यादा है, 6 महीने बाद बहुत कम हो जाता है. कोई आज नॉन वेजिटेरियन है, कल वेजिटेरियन बन जाता है. आज वेजिटेरियन है, कल नॉन वेजिटेरियन हो जाता है. तो सब कुछ चेंज होता तो है. मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं होता है? चेंज होता है मतलब बदलता है, छूटता है, कुछ छूटता है, कुछ नया आता है. तो चेंज चलता रहता है एट द लेवल ऑफ प्रेफरेंसेस. व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब इस बुक को हम पढ़ रहे हैं या हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हू एम आई, तब हमारे अंदर किसी भी तरह के कोई ये प्रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए या ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि ये करके कुछ होने वाला है. अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूं कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूं. तो चाहे मैंने बोला चाहे किसी ने भी बोला, सब कुछ छोड़ दो. कहीं से सुना कहीं से पढ़ा वो भी छोड़ दो. अब क्या करो, अब एज इट इज देखो कि क्या लिखा हुआ है और उसको बिल्कुल ही कॉमन सेंस के लेवल पे ले आओ, बिल्कुल ही सिंपल कर दो. कॉम्प्लिकेशन को बिल्कुल जीरो कर दो. यहां पर स्पिरिचुअलिटी में कॉम्प्लिकेटेड माइंड नहीं चाहिए, सिंपल माइंड चाहिए. क्या कहा जा रहा है? द ग्रेट वे इज नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर नॉट अटैच टू प्रेफरेंसेस. आप इसको कहो हु आर नॉट अटैच टू प्रेफरेंसेस या फिर कहो हु हैव नो प्रेफरेंसेस, एक ही बात है. तो जब आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो इसको इस मोटिव से मत पढ़ो कि पढ़ करके कुछ होने वाला है या इसको समझ करके ये हो जाएगा, जब मैं इस बुक को कंप्लीट कर लूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा. इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए लेट मी फाइंड आउट कि इसका सच क्या है. लेट मी फाइंड आउट ये किस तरह इशारा कर रही है बुक. यू आर ट्राइंग टू नो द ट्रूथ ऑफ द वर्ड्स जो इस बुक में है, जिस तरफ ये पॉइंट कर रहा है. नॉट इवन दिस बुक, इसको भी होल्ड नहीं करके रखना है. लोग बुक से अटैच हो जाते हैं, वर्ड से अटैच हो जाते हैं. इसमें क्या है? वर्ड ही तो है, साइन बोर्ड की तरह है. देखो किस तरह इशारा कर रहा है, तो उस इशारे को आप देख लोगे, नहीं तो इशारा देख नहीं पाओगे कि किस तरफ है. ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, उनके माइंड में पहले से ही ये बैठा होता है कि मैं ये जो कर रहा हूं वो करके ये होने वाला है, और वो कभी नहीं होता है. मैं ये तरह की प्रैक्टिसेस करूंगा या करूंगी, इस तरह की मेडिटेशन, या अब वो नहीं, अब तो मैं ज्ञान योगी बन गया हूं या बन गई हूं, अब मैं ये पढ़ रही हूं, अब मैं वो पढ़ रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं वो कर रहा हूं. उनसे पूछो क्या होगा करने से, ये करके ना मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूं, कल मैं ऐसा हो जाऊंगा. तो यू आर कॉट इन टाइम. समबडी हु हैज गॉट दीज एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू वट एवर दे आर डूइंग नाउ, एक्सपेक्टेशंस आर रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड टू ऑपरेट. बट एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न्ड, स्पिरिचुअलिटी भी वर्ड हटा दो, एज फार एज अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न्ड, वहां पे कोई प्रेफरेंसेस नहीं चाहिए. कोई साइंटिस्ट है, उसको प्रेफरेंसेस चाहिए. अगर वो पहले से अपने किसी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कोई स्टडी करेगा तो क्या कभी भी वो सच तक पहुंच पाएगा? किसी बैक्टीरिया को, वायरस को स्टडी कर रहा है और पहले से ही ये सोच करके कर रहा है कि ये बहुत खतरनाक है, तो क्या होगा? उसकी स्टडी में से जो निकल करके आएगा वो उसका बायस निकल करके आएगा कि ये बहुत डेंजरस है. हो सकता है वो डेंजरस ना हो, हाइपोथेसिस पहले बना लिया, पहले ही माइंड में उसके प्रेफरेंसेस है ना. या फिर वो जब देख रहा है किसी भी चीज को, किसी बैक्टीरिया को, वायरस को, वो पहले ही इस एंगल से देख रहा है ये तो कुछ भी नहीं है. द मोमेंट दैट थॉट इज देयर ही विल नॉट बी एबल टू सी कि वो क्या है. हो सकता है वो बहुत ही डेडली हो सकता है वो बहुत डेंजरस हो. सो ऑल आई एम सेइंग इज यू नीड टू हैव अ साइंटिफिक माइंड इन दिस इंक्वायरी. आपको इमोशनल होकर के नहीं देखना है. जब इस दुनिया में हो, अपने फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, हस्बैंड वाइफ के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे इमोशनल हो जाओ जितना होना है. वहाँ पे रो लो, हंस लो, जैसे कर रहे थे, जो कर रहे थे वैसे ही करते रहो. व्हाइल यू आर स्टडिंग दिस, ये छोड़ो कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, उस वक्त इमोशनल नहीं होना है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे वो थ्योरी किस तरफ इशारा कर रही है. एज सिंपल एज दैट. स्पिरिचुअलिटी वर्ड को भी बीच में से हटा दो. ये देखो कि कुछ कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है उसको सुनने के लिए एज इट इज देखना पड़ता है, एज इट इज सुनना पड़ता है. तो उसके लिए माइंड में कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए, किसी तरह का कोई डिजायर नहीं होना चाहिए उससे रिलेटेड. ये नहीं कि कोई भी डिजायर नहीं होना चाहिए, डिजायर्स अनलिमिटेड थे, हैं और रहेंगे. तो यू शुड नॉट थिंक कि
प्रेफरेंसेस तो होंगे लेकिन मैं उसे अटैच नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंसेस मींस अटैचमेंट। अब यू नो कि भाई एक टॉयलेट है, यहां पर गंदगी है, मुझे उसमें जा करके नहीं सोना है, मुझे ये मेरा कमरा है, ये बेडरूम है जो साफ सुथरा है, इसको भी साफ सुथरा करना है, फिर वहां सोना है। ये क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग ही तो है, कुछ प्रेफरेंस ही तो है, नहीं तो कहीं भी पड़ जाओगे, कुछ भी करने लग जाओगे। ये चीज बुरी है, इसको नहीं खाना है, ये चीज अच्छी है, इसको खाना है, ये क्या है? प्रेफरेंसेस ही तो है। ये इंसान हार्मलेस है मेरे लिए तो इसके साथ में बात करने में, शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। ये इंसान कनिंग है, इसका पीछे जो मोटिव है वो थोड़ा खतरनाक है, ये बाहर से कुछ और दिखा रहा है, अंदर से कुछ और ही चाहता है, इससे मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये हो गई इस दुनिया के लेवल की बातें। बट अभी उस सब को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो सब जैसा था वैसा ही रहेगा, ना ये दुनिया बदलेगी, ना आप बदलोगे, कुछ नहीं बदलेगा। तो अब हम इसको समझते हैं। द ग्रेट वे इज नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर नॉट अटैच्ड टू प्रेफरेंसेस। मतलब क्या, कौन सा है ये ग्रेट वे? व्हाट इज दिस ग्रेट वे दैट दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट? द वे टू द ट्रूथ, नॉट वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग। वे के कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं ना। कोई वे का मतलब ये निकाल लेगा एक ग्रेट वे है जिसपे चल करके लाइफ बहुत ही ब्लिसफुल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं खुशी से भर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। द ग्रेट वे टू द ट्रूथ, सच को जानने का जो रास्ता है वो उनके लिए मुश्किल नहीं है जो इस पाथ से रिलेटेड, जिनके माइंड में कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, जो पहले से ये सोच करके नहीं बैठे हुए कि इस बुक में से मुझे यही निकालना है जो कि इस बुक में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है किसी पर्टिकुलर रिलीजन का, वो एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ चुका है जो उसके रिलीजन की जो बुक है, और वो पढ़ करके कह रहा है कि जो इस बुक में लिखा है वही इस बुक में लिखा है। तो अब वो इसको जब पढ़ेगा तो उसको प्रूव करने के लिए पढ़ेगा, हो सकता है इसमें जो लिखा है वो उसकी बुक से बिल्कुल अलग है, उसका एग्जैक्ट अपोजिट है, बट वो उसको नहीं देख पाएगा। या फिर एक दूसरा एक्सट्रीम होगा जो कहेगा मैं किसी भी बुक को नहीं मानता, ये सब बकवास है, पढ़ेगा ही नहीं। या मान लो अगर वो पढ़ेगा भी या सुनेगा भी तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो सब बकवास है वाले थॉट से चल रहा है ना। राइट, तो दोनों ही एक्सट्रीम हो गए ना, एक कि ये सब कुछ झूठ है, एक कि यही सच है, और ये भी नहीं कि यही सच है, सब कुछ छोड़ दो। हो सकता है ये बुक बकवास हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो, ये थोड़ी कि मैंने बोल दिया अच्छी है तो इसको मतलब अच्छी है, मैं कौन होता हूं? मुझे भी छोड़ दो, इस बुक को भी छोड़ दो, बस पढ़ रहे हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, देखते हैं, लेट मी फाइंड आउट, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है तभी तो कुछ रियल डिस्कवर कर पाता है, नहीं तो वो रिपीट करता है, नहीं तो वो लेक्चरर है, वो जो थ्योरी डिस्कवर हो चुकी है उसी को रिपीट करता रहता है। बट सर, जैसे आप बोल रहे हो कि इन प्रेफरेंसेस को छोड़ दो, क्या हम एक्चुअली में इनको छोड़ सकते हैं, इन प्रेफरेंसेस को? मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो थॉट है सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, सिर्फ मुझ में नहीं सब में, कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच लीड्स टू माइंड पीसफुल हो जाएगा या कुछ भी, मतलब गुड लाइफ, बेटर हो जाएगी, लाइफ बेटर हो जाएगी। कोई भी स्पिरिचुअलिटी पे इसलिए नहीं चलेगा कि उसको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, फिर भी चल रहा है, वो यही सोच के चलेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि क्या ये नीड ड्रिवन है, रिवॉर्ड ड्रिवन नहीं है? इसको ऐसे देखो कि जब कोई इनिशियली अपनी किसी भी जर्नी को शुरू करता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवॉर्ड होता है, बिना उसके वो काम नहीं करता है, दैट इज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी। बट जैसे जैसे एक इंसान मेच्योर होता है इस पाथ पर, शुरुआत हर एक की ऐसी होती है इस पाथ पर कि ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। ज्यादातर जो सो कॉल्ड गुरुज हैं और हैं मार्केट में, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं, ये करके वो हो जाएगा, वो करके वो हो जाएगा, बुक्स भी ऐसी बातें करती हैं, कोई आफ्टर लाइफ की बात करता है, कोई ये बात करता है, वो बात है, सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। पर जैसे जैसे इंसान मेच्योर होता चला जाता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट रियल स्पिरिचुअलिटी इज, तो ये प्रेफरेंसेस छोड़ने नहीं पड़ते, अपने आप ही छूट जाते हैं। जैसे देयर वाज अ प्रेफरेंस इन माय माइंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑन दिस पाथ मे बी अराउंड 7 years, 8 years back regarding the concept of rebirth and reincarnation and resurrection. I was attached to one of these based upon my background and my understanding of life. फिर मैंने उसको देखा किसी और point of view से, किसी और book के through जो कुछ और कह रही थी। फिर मैंने अपने आप से question पूछा, ये सच है, ये सच है?
एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि एकदम से दोनों छूट गए और वो बड़ा मुश्किल था छोड़ना. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड था कि ऐसा ही होता है, ऐसे ही बचपन से आज तक सुना था, पढ़ा था, मूवीज में देखा था, घर पे सुना था, ये वो बुक्स भी यही कह रही थी. बट कुछ ऐसी बुक्स हैं इस दुनिया में जो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट कह रही है या उससे अलग बात कर रही है. तो मैंने कहा ये सही है, ये सही है. फिर जैसे जैसे उसको क्वेश्चन करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, तो पता लगा ना ये सच है, नहीं ये सच है, सब बातें हैं. तो वहां तक कैसे पहुंच पाया? जब अपने ही प्रेफरेंसेस को क्वेश्चन कर दिया, अपने ही बिलीव्स को क्वेश्चन कर दिया. दैट इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये कहा जा रहा है यहां पे कि पहले से ये मत सोच करके चलो कि रीबर्थ होता है या नहीं होता है. पहले से ये मत सोच करके चलो कि एनलाइटनमेंट नाम की चीज होती है या नहीं होती है. पहले से ये मत सोच करके चलो कि ये बुक अच्छी है बुरी है या कोई इंसान अच्छा है बुरा है. तो ये कहा जा रहा है कि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. जो मैं हमेशा कहता हूं अपने हर सेशन में, बहुत आसान है ये बात. किनके लिए? जो अपने एक फिल्टर के थ्रू इसको नहीं देख रहे हैं. वो फिल्टर क्या है? जो भी आपका पास्ट है उसी के बेस पे फ्यूचर क्रिएट होता है. यानी आप टाइम के थ्रू नहीं देख रहे हो, आप इंस्टेंट देख रहे हो, अभी के अभी देख रहे हो. पास्ट के थ्रू देखोगे तो वही दिखेगा जो आज तक आपको सही लगता है, वो नहीं जो सही है. जो सही है वो तो यही है, अभी है. तो अभी देख लो, यही देख लो, तो दिख जाएगा जो भी होगा. तो बिना किसी प्री कंसीव नोशंस के एज इट इज दिख जाएगा हमको जो भी कुछ होगा. कुछ रह गया आपके माइंड में अभी भी? कुछ थोड़ा सा बताइए. आप जब बोल रहे हो कि प्री कंसीव नोशंस के थ्रू ना देखो और एज इट इज देखो, आप ये बात बहुत एज इट इज देखो. बट अगर हम इसको ध्यान से समझें, हम जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है ना. तो जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो अपने आप ही पहले पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट होगी ही होगी. और जो देखने का नज़रिया होगा वो हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि विदाउट एनी फिल्टर हम एक्चुअली में कुछ करेंगे? क्योंकि लैंग्वेज जो है अंदर, जो इन्फॉर्मेशन है वो तो है, उसको छोड़ने का कोई तरीका नहीं है. हाँ, उसकी लिमिटेशन को देख सकते हैं. उसकी लिमिटेशन को देख लो तो आप उससे फ्री हो गए. यही तो तरीका होता है लाइफ में फ्री होने का. और क्या तरीका है? आपको किससे फ्री होना है? वो फिल्टर से ना. वो फिल्टर क्या है? आपके अंदर जो बैगेज पड़ा हुआ है नॉलेज का, आपको समझ आ जाए उसमें कुछ नहीं पड़ा है. रियलिटी तो यही है, एज इट इज है. उसके थ्रू उसको क्यों देखना है? जो पास्ट है उसके थ्रू प्रेजेंट को क्यों देखना है? प्रेजेंट तो यहाँ है, अभी है, अभी देख लो. तो आपको समझ आ गया कि जो भी अंदर स्टोर्ड है या जो भी बुक्स में लिखा हुआ है या जो भी किसी ने कहा है, जो भी आपने आज तक समझा है, वो सब किसी काम का नहीं है इस बात के ऊपर, द ग्रेट वे के ऊपर, द वे टू द ट्रूथ. इसके ऊपर क्या काम आने वाला है? जो है जैसा है एज इट इज देखते चले जाओ स्टेप बाय स्टेप, बस खत्म. मतलब ज़्यादा पकड़ो मत अपने बिलीव्स को और अपने जो हमने ऑलरेडी कुछ व्यू पॉइंट्स बना रखे हैं चीज़ों को. पकड़ लो, आप ये नहीं कह सकते कि मत पकड़ो, बिकॉज नहीं पकड़ने का कोई तरीका नहीं है. आप कैसे छोड़ोगे उसको? उसको छोड़ने की कोशिश मत करो, बस ये देख लो कि वो लिमिटेड है. इन अदर वर्ड्स, कि आपको 7 समुद्र पार करके कहीं जाना है. मान लो आप इंडिया में हो, आपको US जाना है. आपको समझ आ गया मैं इस गाड़ी से नहीं जा सकती, मुझे या तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा या शिप से जाना पड़ेगा. तो गाड़ी से अटैचमेंट को छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट जाएगी अगर आप इंटेलिजेंट हो तो. अगर अभी भी आप गाड़ी को पकड़ के बैठे हो तो आप बेवकूफ हो. क्यों? क्योंकि आपको ये गलत फहमी अभी भी कहीं ना कहीं कि नहीं मैं पहुंच जाऊंगी इस गाड़ी से. क्यों? क्योंकि मेरे को 10 साल हो गए इस गाड़ी में बैठे बैठे, तो यही पहुंचाएगी मुझे. जबकि आपको समझ आ रहा है कि इस गाड़ी से आप आगे नहीं जा पा रहे, इस गाड़ी की लिमिटेशन देख पा रहे हो. मान लो कोई पर्टिकुलर मेडिटेशन की टेक्निक है जो आपने कहीं से सीखी है, आपको समझ आ गया उसकी लिमिटेशन साफ नजर आ रही है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, बट फिर भी आप उसको पकड़ के बैठे हो, नहीं यही मुझे आगे लेकर के जाएगी. उसको छोड़ो ना, आगे बढ़ो. नॉलेज के बेस पे जब आपको समझ आ गया है, अब नॉलेज भी कौन सी? जो भी पास्ट के बेस पे आ रही है, जो भी आज तक आपको समझ आ गया था, आपको समझ आ गया कि उसके बेस पे तो मैं गोल गोल घूमती रहूंगी, मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी. मतलब जो भी अंदर पड़ा हुआ है अगर उसी के बेस पे सोचती रही तो वही थॉट्स आते रहेंगे जो पड़ा हुआ है. फिर जितने वो थॉट्स आएंगे वो और स्ट्रांग हो जाएगा. तो ये तो लूप है, यहाँ तो मैं फंस गई जा करके, अब मैं क्या करूँ?
चलो एक बार जो भी अंदर पड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, रीबर्थ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, जिसने भी जहाँ भी जो भी कहा है उससे रिलेटेड, सब कुछ छोड़ देती हूँ एक बार, एज इट इज समझने की कोशिश तो करूँ कि क्या है। तो अब मैं थॉट की लिमिटेशन को देख रही हूँ और अब मैं उस थॉट को यूज कर रही हूँ टू अंडरस्टैंड दिस। आप ये नहीं कह सकते उस थॉट को यूज कर रहे हो, थॉट को यूज कर रहे हैं, थॉट को यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वो वाला जो थॉट है वो तो आपको फंसा देगा। थॉट को यूज कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हो, दैट इज ओके, ठीक है। माइंड को यूज कर रहे हो देखने के लिए, समझने के लिए, बट इट हैज टू बी डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, नॉट थ्रू दिस और थ्रू दैट, एज इट इज देख रहे हो। आगे बढ़े, ठीक है। व्हेन नीदर लव नॉर हेट अराइजेस, ऑल इज क्लियर एंड अनडिसगाइज्ड, सेपरेट बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट, हाउएवर एंड यू आर एज फार फ्रॉम इट एज हेवन इज फ्रॉम अर्थ। इसमें जो मुझे समझ में आया कि जो ये वाला पॉइंट था, व्हेन नीदर लव नॉर हेट अराइजेस, अब हम वही ट्रूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखेंगे इसको, कि अगर कोई अंदर या तो कोई लव नहीं आ रहा है या हेट नहीं आ रहा है, तो मतलब वही प्रेफरेंसेस के थ्रू अगर नहीं चल रहे हैं तो लव और हेट नहीं आएगा ना, फिर एज इट इज़ देखेंगे, फिर उनके फिल्टर के थ्रू रिजिडली उनसे अटैच होके नहीं देख रहे। अभी जो हमने बात करी प्रेफरेंसेस वाली, ट्रूथ से रिलेटेड कोई ऑलरेडी प्री एजम्पशन के थ्रू नहीं चल रहे तो लव और हेट फिर नहीं आएगा ना, और आएगा भी तो फिर उसकी लिमिटेशन देख ली। बट ट्रूथ से रिलेटेड लव और हेट होता क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पहली बार ये किताब पढ़ रहा है, ठीक है, और इससे पहले उसने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो भक्ति में बहुत है, भजन गाता रहता है, उसको लगता है ज्ञान तो मेरे समझ में आएगा नहीं, भक्ति मेरे से हो जाएगी, भजन कीर्तन करते रहो, उसकी ये पैटर्न है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थिंकिंग है। तो अब अगर इसमें कोई ऐसी बात कही जा रही है जो कि भक्ति को काउंटर कर रही है और ज्ञान की बात कर रही है मान लो, तो उसके माइंड में हेट आएगा इससे रिलेटेड, या अगर भक्ति की बात हुई तो लव आएगा, फिर वो उस भक्ति के अकॉर्डिंग चलेगा फिर पूरी किताब को लेकर के। तो ये पॉइंट आ गया। अब ये जो बात की जा रही है ना सर, इसमें सेपरेट बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट हाउ एवर एंड यू आर एज फार फ्रॉम इट एज हेवन इज फ्रॉम अर्थ, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब मुझे जितना लग रहा है कि सेपरेट बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट, इतना सा भी अगर सेपरेशन है तो इतने दूर हो, मतलब फिर दूर दूर तक अभी तुम सच के बात नहीं कर रहे, सच को नहीं समझ रहे। अगर हम इसको ध्यान से देखें, हम अभी जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी कि एक थॉट और जिसको हम बोल देते हैं माय थॉट, इतना सा अगर हम बेसिक सा डिफरेंस बना देते कि एक सेपरेट मी खड़ा हो जाता है जिसको एक्चुअली में जो थॉट है लेकिन उसको हमने मैं बना रखा है। अब सवाल ये उठता है सर, स्पिरिचुअलिटी को हम अपनी डे टू डे लाइफ से हट के नहीं देख सकते, मतलब हमें रहना है डे टू डे लाइफ में, हम जीते हैं 24/7, हम दो रोल प्ले नहीं कर रहे एक तरीके से, मतलब सब जुड़ा हुआ है ना, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी तो लाइफ की बात कर रही है ना, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं तो हम लाइफ को भी समझ रहे हैं, माइंड को भी समझ रहे हैं, बॉडी को भी समझ रहे हैं। तो 24/7 हमारी प्रैक्टिस चल रही है इस मैं को और स्ट्रॉन्ग करने की, इवन ड्रीम्स में भी, ये तो वेकिंग स्टेट में तो चल ही रही है, इवन ड्रीम्स में भी देयर इज दिस मी, मैं हूँ, मैंने ये देखा था, मैं एक उड़ रही थी हवा में। तो ये जो मैं है, जो इसका झूठ है, मैं कहूँ अगर इस मैं का झूठ है, इल्यूजन है, वो 24/7 चल रहा है इस दुनिया में, और वो इन्फॉर्मेशन आएगी आएगी, हम कहीं नहीं जा सकती, वो हर थॉट का ग्राउंड है, ग्राउंड है और वही पक्का होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ टाइम के लिए, अगर मैं सत्संग में हूँ या सेल्फ इंक्वायरी कर रही हूँ, आपका कोई स्पिरिचुअल सेशन देख रही हूँ, तब मैं उसको समझ पा रही हूँ कि चलो ये जो मैं है ये एक्चुअली मैं थॉट है, देर इज़ नो सेपरेट मैं। तो अब मैं अपना आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ना बहुत बड़ी दुविधा हो रही है कि 24/7 तो हम उसी मैं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ काम करने के लिए, वो तो चलो ठीक है काम करने के लिए ज़रूरत है, बात करने के लिए ज़रूरत है, वो समझ में आता है ट्रांजैक्शनली ऑपरेट करने के लिए, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो एवरी मोमेंट एवरी टाइम दिस मी इज़ ऑलवेज एक्टिवेटेड एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग एट दिस मी एज समथिंग रियल। वो तो हम बात करते हैं, समझते हैं, वो कुछ टाइम के लिए समझ में आता है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि वो मैं रहता ही रहता है थ्रू आउट, और उसी के अकॉर्डिंग जीते हैं। बस थोड़ी देर के लिए हम ये बात कर लेते हैं कि अच्छा ये मैं है, एक्चुअली में क्या है, या फिर कभी कोई दुख आता है लाइफ
फिर थोड़ा सा सोचते हैं कि अच्छा मैं कौन हूँ, किसको दुख हो रहा है, वो सब हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस जो पूरी सोसाइटी की चल रही है, सेपरेशन वाली प्रैक्टिस, मतलब इसमें कृष्णमूर्ति को भी मैं सुन रही थी एक बार, तो बात करती कि पूरा स्ट्रक्चर ही सोसाइटी का ऐसा है, ह्यूमन बींग्स की फंक्शनिंग ही ऐसी है जो सेपरेशन और डिविजन पर चलती है, बड़े लेवल पे भी छोटे लेवल पे भी। तो ये जो बात की जा रही है कि सेपरेट बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट हाउएवर यू आर एज फार फ्रॉम इट एज हेवन इज फ्रॉम अर्थ, ये सेपरेशन कैसे जाएगा? थोड़ी देर के लिए जा सकता है, बट जैसे हम अभी एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरी मम्मी है तो मेरे अंदर ये बड़ा मतलब क्लियर है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मदर है, वो बड़ा डीपली मैं पूरी बॉडी की सेल में वो पड़ा हुआ है कि हाँ कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो मैं है उसको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे डीपली अगर हम समझें, मतलब पूरी तरह से, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो कंप्लीट होती है ना सर, आधी अधूरी तो नहीं होती ना कि कभी है कभी नहीं है, या उसको रिकॉल करना पड़ रहा है बार बार कि मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये हूँ। कभी साउंड ऑफ साइलेंस को सुना तो याद आया अच्छा मैं ये थोड़ी हूँ, मैं ये हूँ। तो वो तो सेपरेशन कैसे जाएगा पूरी तरीके से? अभी आप क्या कर रहे हो, आप इसको पढ़ रहे हो लेकिन फिर से आप उसको उसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो जो कि आप डीप विद इन चाहते हो। आप क्या चाहते हो, एक आपके अंदर मैं है जो कि ऑपरेट कर रहा है इस दुनिया में, जिसके बेस पर आप सब कुछ कर रहे हो। मैंने कहा ना वो ग्राउंड है, आप उसी पे खड़े हो, उसको हटा नहीं सकते और वो कभी नहीं हटेगा, वो हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब उसी में तो है। यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम दैट नॉलेज, दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट वे ऑफ वर्किंग। अब क्या हो रहा है, आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि एक ऐसी स्टेट आ जानी चाहिए जब ये अवेयरनेस अंदर बनी ही रहे कि मैं कौन हूं और मैं उस सेपरेट मैं से फ्री हो जाऊं। आपको अपने आप से अब ये क्वेश्चन पूछना है कि कौन है वो मैं जो इस मैं से फ्री होना चाहता है। एक और मैं बैठा है अभी, एक है जो एक्चुअल में है, जो सच है, उस सच को आप नहीं देख रहे हो। अभी एक और मैं बैठा है जो उस मैं से फ्री होना चाहता है। अरे वो भी तो एक थॉट है। कौन है जो फ्री होना चाह रहा है? कौन है जो चाहता है कि मैं इस दुनिया में रहूं लेकिन मुझे बार बार याद ना करना पड़े कि मैं कौन हूं और वो याद बनी ही रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? एक टाइम पे दो चीजें कैसे हो सकती है? ये भी प्रेफरेंस हो गया फिर। ये 100% प्रेफरेंस है। ये बेसिकली क्या है कि हम कहीं ना कहीं कुछ सुन लेते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठा होता है, फिर हम जो पढ़ते हैं हमें वो नहीं नजर आता जिस स्टैंड पॉइंट से वो लिखा हुआ है, हम उसको नहीं देख सकते। हम उसको कैसे देखेंगे? जैसे हम देखना चाहते हैं। मतलब इसका हमने क्या मतलब निकाल लिया, ये जो बात यहाँ पे कही जा रही है वो क्या है, सेपरेट इवन बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट यू आर एज फार फ्रॉम इट एज हेवन इज फ्रॉम अर्थ। मतलब जितना जमीन आसमान से दूर है, कितना दूर है, इन्फिनिट दूर है, उतना ही आप दूर हो जाते हो अगर आप उससे थोड़ा सा भी सेपरेट हो। तो आपने इसका क्या मतलब निकाला कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है सच की, अगर मैं इससे सेपरेट हुई तो मैं सच से सेपरेट हो जाऊंगी। अरे नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग इज एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट। विदाउट इंटेलेक्ट वेयर इज अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग इज एक थॉट ही है। व्हाई आर यू गिविंग सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग? यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद अंडरस्टैंडिंग। आपको पानी की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है कि H2O है, ये है वो, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं, बट प्यास तो बुझाता है ना पानी, तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक है पानी का होना, एक है पानी की अंडरस्टैंडिंग होना, दो अलग अलग चीजें हैं। किसी को पानी की समझ नहीं है तब भी पानी है उसके लिए, जानवरों को नहीं है समझ कि पानी की साइंस क्या है, बट पानी उनकी भी प्यास बुझाता है। जिस साइंटिस्ट को पता है उसकी भी प्यास बुझाता है। तो एट द लेवल ऑफ एक्शन कोई फर्क नहीं है, एट द लेवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ वाटर देयर इज नो डिफरेंस, एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर देयर इज नो डिफरेंस, एट द लेवल ऑफ वाटर देयर इज नो डिफरेंस। अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है, बट उससे क्या बदलता है? क्या साइंटिस्ट पानी पीना कम कर देता है, ज्यादा कर देता है, कुछ बदलता है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई डॉक्टर है जो सुबह से रात तक ऐसे पेशेंट्स का क्योर कर रहा है जो मान लो जिनको अल्कोहल की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन वो खुद ड्रिंक करता है, तो क्या उसकी ड्रिंक छूट जाती है? बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, आप अवेयर हो गए, आपको नॉलेज हो गई, मुझे पता है ये शराब पीने से लिवर खराब होता है, किसी को पता नहीं है। यह जस्ट अज्यूमिंग के ऐसे बढ़ जाती है, बट हो सकता है अल्कोहल का कनेक्शन उससे हो ही ना, उसका कनेक्शन स्ट्रेस से हो और उसकी लाइफ में स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज वो रोज ऐसा कुछ देख रहा है, तो स्ट्रेस से फ्री होने के लिए उसको एस्केप मिल रहा है और वो अल्कोहल पे और ज्यादा डिपेंड हो रहा है।
तो दिस इज जस्ट एन आइडिया. समझ गई मैं कि ठीक है ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे अरे भी ऐसे बहुत होते लोग होते हैं जो मान लो सिगरेट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को उनको ठीक कर रहे हैं लेकिन खुद सिगरेट पीते हैं. तो एक एंड पे उनको पता है कि सिगरेट पीना गलत है लेकिन फिर भी करते हैं. उनको छोड़ो, आप नहीं करते क्या सुबह से रात तक? ऐसे कितने काम करते हो जो आपको पता है कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी करते हो, आपको पता है कि ये करना चाहिए फिर भी नहीं करते हो. ऐसे ही वो है, वो कोई दूसरे प्लेनेट से थोड़ी ना आए हैं, वो भी तो इंसान है. एक हो गया एट द लेवल ऑफ एक्शन, उसको हटा दो इसमें से. इसको जब सुन रहे हो समझ रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है या मिट जाती है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको याद करना पड़ता है या वो याद रहता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को क्या समझ करके एक्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. अरे जो सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है उसको समझो, उसके हिसाब से एक्ट करो. उसमें सोचना क्या है, जो भी आपका एक्शन होगा वो लिमिटेड होने वाला है क्योंकि आप पूरा तो कभी देख ही नहीं सकते. अधूरा ही देखोगे तो एक्शन भी अधूरा होगा, आउटकम भी अधूरा होगा, पूरा तो कभी होगा ही नहीं. अब सवाल उठता है यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो कही जा रही है बात वो क्या है. सेपरेट बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट. सेपरेट फ्रॉम व्हाट? सेपरेट फ्रॉम व्हाट इज? अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इज. अंडरस्टैंडिंग अभी है और कल नहीं है. किसी की ब्रेन में क्लियर कोई अंडरस्टैंडिंग है, आज यहां पे चोट लग जाए कल सारी अंडरस्टैंडिंग गायब. अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है. यहां पे क्या कहा जा रहा है, कुछ ऐसा है इस दुनिया में जो नहीं बदलता है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि दैट इज. तो इफ यू आर सेपरेट फ्रॉम वॉट एवर इज बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट, यू आर एज फार फ्रॉम इट एज हेवन इज फ्रॉम अर्थ. यानी जो भी है, क्या है और क्या नहीं है, जो भी आपके अंदर पड़ा हुआ है वो सब पास्ट है, उसी के बेस पे फ्यूचर क्रिएट हो रहा है. प्रेजेंट को भी आप उसी के बेस पे इंटरप्रेट कर रहे हो. वो सब कहीं नहीं है, या जो है उससे उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है. वो सब लिमिटेड है, वो सब फाइनाइट है. लेकिन कुछ ऐसा है जिसका कि आपके थॉट से, फीलिंग से, इमोशन से, अंडरस्टैंडिंग से, मेमोरी से, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है. वो है जहां आप उससे दूर हुए वाइल अंडरस्टैंडिंग दिस, नॉट वाइल एक्टिंग इन दिस वर्ल्ड. इन अदर वर्ड्स, जिस वक्त आप इस कप के बारे में समझ रहे हैं, उस वक्त अगर एक कप आपके सामने नहीं है तो आपके माइंड में उस कप की कोई भी और इमेजिनेशन आ जाएगी और फिर आप जो भी कुछ समझ रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो सही नहीं है, वो गलत है. क्योंकि कप के केस में तो फिर भी एक फॉर्म है जो आपको दिख रही है. इसको छोड़ करके भी अब आपने अपनी ब्रेन में फीड कर लिया एक फॉर्म को, अब आप उसके बारे में सोच सकते हैं और कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ ट्रूथ देर इज नो फॉर्म ऑफ द ट्रूथ. इट्स देयर बट देर इज नो फॉर्म. तो जहां आप उस सत से हटे, अगर मैं इसको सीधा बोलूं डायरेक्ट बिना घुमा फिरा करके, तो जहां आप साउंड ऑफ साइलेंस से थोड़ा सा भी हटे वाइल इंक्वायरिंग अबाउट वट एवर इज बींग सेड इन दिस, बिकॉज दैट इज देयर, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. आपके अंडरस्टैंडिंग को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, ये जिसको आप मैं कह रहे हो, और एक और नया मैं आपके अंदर खड़ा हो रहा है जो कह रहा है कि अब एक ऐसा मैं है जो कि मैं से अटैच नहीं है, ये सब बकवास है. बट वो बकवास नहीं है, वो तो है ना. तो जहां आप जो है उससे थोड़ा सा भी दूर हुए तो आप इतना दूर हो गए उससे जितना कि धरती दूर है आकाश से, यानी अब आप इन्फिनिट दूर हो. यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे थे इस फ्रेज को, तो इसमें जो बात कही जा रही है उससे आप उतना ही दूर थे जितना कि धरती दूर है आकाश से. क्यों? क्योंकि आप कहां पहुंच गए, आपके माइंड में जब आप ये पढ़ रहे थे साउंड ऑफ साइलेंस तो थी ही नहीं. साउंड ऑफ साइलेंस थी, बट थी तो फिर ये सारी बातें कहां से आई कि मेरे को एक्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरी है, वो सबका साउंड ऑफ साइलेंस से क्या लेना देना है? लेना देना नहीं है. मैं, मेरा कहने का मतलब, साउंड ऑफ, मुझे पता है इसमें बात साउंड ऑफ साइलेंस की हो रही है, वो मैं समझ सकती हूँ. बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जब ये हम सेपरेट बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट कह रहे हैं तो एक्चुअली में तो सेपरेशन नहीं है. इन रियलिटी देर इज नो सेपरेशन. अभी हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं इसी चीज़ की कि सेपरेशन नहीं है. ये जो लाइन थी सेपरेट बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट हाउ एवर
एंड यू आर एज फार फ्रॉम इट एज हेवन इज फ्रॉम अर्थ, तो वो मुझे वही लग रहा था कि जब हम अपने अंदर एक मैं खड़ा, अब वो एक लेयर और निकल गई ना कि एक और मैं है जो वो कह रहा है कि मुझे इस मैं से फ्री होना है, बट वो भी तो मैं है, वो भी तो मैं है। और अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो वर्ड लिखा है ना सेपरेट, हाँ, व्हाट इज सेपरेशन, डिवीजन, व्हाट इज डिवीजन, डिवीजन कहाँ है एक्चुअल में, इस यूनिवर्स में डिवीजन कहाँ है, सेपरेशन कहाँ है? एक्चुअल में नहीं है, सब जुड़ा पड़ा है, तो सेपरेशन कहाँ है? आप धरती से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से और साउंड ऑफ साइलेंस से, इन छह से आपको जुड़ना है या जुड़े ही पड़े हो? जुड़े ही पड़े, इसी के तो बने हो। आपको पानी से जुड़ना थोड़ी ना है, बिना पानी के आप कहाँ हो? आप में से पानी को निकाल दो, कहाँ हो, क्या हो? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश और साउंड ऑफ साइलेंस, ये तो सब है ही, तो इससे तो आप जुड़े ही पड़े हो। तो सेपरेशन कब पैदा होता है? व्हाट इज द बिगनिंग ऑफ सेपरेशन? व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन एक तरीके से कह सकते हैं इल्यूजन है, एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, माना हुआ है बस कि एक और मैं है जो बाकी सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो साउंड ऑफ साइलेंस से भी अलग है। वही बात है ना, एक्चुअली में वो थॉट है जिसको मैं बोल रही हूँ इतनी देर से, पूरी लाइफ में जो मैं चल रहा है वो थॉट है, वो आ रहा है जा रहा है अपने आप से, बॉडी भी अपने आप ही एक्ट कर रही है, अंडरस्टैंडिंग भी अपने आप ही एक्ट कर रही है। अभी ये बात सुन रही हूँ, कुछ चल रहा है, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, कुछ और उसके हिसाब से एक्शन होगा, तो वो अपने लेवल पे चल रहा है। बट जब हम ये मान लेते हैं कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, तो हमने फिर वही सेपरेट मैं, वही थॉट ही है बट वो सेपरेट मैं बन गया। बट अगर ये अंडरस्टैंडिंग, चलो अंडरस्टैंडिंग भी थॉट ही है, बट इन रियलिटी साउंड ऑफ साइलेंस है। सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस ही क्यों है? धरती भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, सब कुछ तो है, उसको अलग क्यों कर रहे हो? ये सब भी तो उसी में है। मैं ये कह रहा हूँ व्हाट इज सेपरेशन, ये सेपरेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? हम एक्चुअल में इस यूनिवर्स से अलग नहीं है, मैं एक्चुअल में पानी से अलग नहीं हूँ, बट मुझे कब लगता है कि मैं अलग हूँ? और जब लगता है तब मैं उतना ही दूर हूँ सत से जितना कि धरती दूर है आकाश से, उस वक्त इतना दूर होता हूँ मैं। तो ये सेंस ऑफ सेपरेशन कब पैदा होता है? एक्चुअल में सेपरेशन नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। ये सेंस ऑफ सेपरेशन कब पैदा होता है? जब एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसके लिए तो कोई सेपरेट मैं है ही नहीं, उसमें इन्फॉर्मेशन डली, तू लड़का है, तू लड़की है, तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है, तो वो फिर भरती गई इन्फॉर्मेशन, वो सोसाइटी के थ्रू आई अंदर 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 अंदर, तो वो फिर तू और मैं का कंसेप्ट आ गया। ट्रांजैक्शनली ऑपरेट करने के लिए इट वॉज रिक्वायर्ड, बट पूरी तरीके से वही बन गई आइडेंटिटी। अभी यू जस्ट सेड कि ट्रांजैक्शनली ऑपरेट करने के लिए वो रिक्वायर्ड है, तो अगर वो पढ़ी भी रहे तो उससे फर्क क्या पड़ता है? कौन है आपके अंदर ऐसा मैं जो उस मैं से फ्री होना चाहता है, और क्यों होना चाहता है? जो है ही नहीं उससे कैसे फ्री होगे? तो फिर तो सेपरेशन है ही नहीं, फिर तो ये सेपरेट बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट, तो फिर तो सेपरेशन है ही नहीं, फिर ये तो लाइन की जरूरत ही नहीं है। सेपरेशन है, देखो ध्यान से समझो, सेपरेट बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट फ्रॉम द साउंड ऑफ साइलेंस, यू आर एज फार फ्रॉम इट एज हेवन इज फ्रॉम अर्थ। यानी अगर आप सच को जानना चाह रहे हो और आप सच से ही सेपरेट हो, तो जो भी कुछ अंदर पड़ा हुआ है जिसको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, वो उतना ही दूर है सच से जितना धरती दूर है आकाश से। इसको रीड करते समय, इसको अंडरस्टैंड करते समय, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड नॉट रेफरिंग दिस टू साउंड ऑफ साइलेंस, और साउंड ऑफ साइलेंस भी हटा दो यहां से, नॉट रेफरिंग टू व्हाट इज, जो भी है, अब हम उसको साउंड ऑफ साइलेंस कहें, उसको कॉन्शियसनेस कहें, उसको कुछ भी नाम देते रहें, दैट इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। जो भी है, अगर उसके बेस पे हम इसको समझते हैं, तो हम उस ग्रेट वे पर चल रहे हैं, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो कि सच तक हमें पहुंचा देगा। और वो भी एक्चुअल में पहुंचना कहीं नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हमें समझ आ जाएगा कि सच क्या है। जो है मतलब उसके भी आइडियाज नहीं है साउंड ऑफ साइलेंस के रेफरेंस, या मतलब ट्रूथ के रेफरेंस में, बट नॉट इन द आइडियाज ऑफ ट्रूथ, राइट, नॉट इन द आइडियाज ऑफ, आइडियाज अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस, वो भी अलग हो सकता है। हो सकता है आप साउंड ऑफ साइलेंस की बैठ करके कोई पूजा कर रहा हो, ऐसे बहुत लोगों को देखा है मैंने, वो क्या कर रहे हैं, साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते जा रहे हैं, और वो इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा ये ना एक पाथ है जिसपे चल करके एक दिन एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसमें से अंदर से कोई प्रकट होगा, ये होगा, कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी इमेजिन करते रहो, या फिर उनको लग रहा है दिस इज पाथ टू लिबरेशन। अरे नहीं भैया, सुनते रहो पूरी जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, एक है आइडियाज और थॉट्स,
अबाउट द रियलिटी, एक है रियलिटी। तो ये जो सेपरेशन का ग्राउंड है ये है थॉट्स अबाउट द रियलिटी, थॉट्स अबाउट मी, थॉट्स अबाउट यू, बिकॉज द मोमेंट आई से यू दैट इज इंप्लाइड देयर इज अ सेपरेट मी सिटिंग आउट देयर, द मोमेंट आई से दिस इट इज इंप्लाइड देयर इज दैट जो उससे अलग है। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ तू वो है, दैट इज फाइन, नहीं तो सब पागल हो जाएंगे, सबको नाम भी देना पड़ेगा, तभी तो अलग अलग आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे चीजों को, तभी तो चीजों को ग्रुप कर पाएंगे, तभी तो हम चल फिर पाएंगे। हाँ, हमें पता लगेगा यहाँ पे एक स्टेयर है, यहाँ से उतरना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं देना है। जैसे कहीं रोड पे जा रहे हो तो आपको पता है यहाँ से गाड़ी आ रही है, अब ये रेड लाइट है, अब ये जेब्रा क्रॉसिंग है, पता है ना। तो उसको हमने कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया है, बट किस लिए? ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फंडामेंटली क्या है, जो भी इस सब का सच है वो हमें साफ नजर आ रहा है, कहीं कोई सेपरेशन नहीं है, सब अलग अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सब एक ही वेव है, दिख अलग अलग रहा है सब कुछ एक ही, फंडामेंटली है सब कुछ मुझ में ही, मुझ में मतलब कॉन्शियसनेस में। तो अब आपकी चीजों को देखने की नजर बदल जाएगी, एक लेवल पे बदल जाएगी, एक लेवल पे नहीं बदलेगी। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि बदल जाएगी, और जिस लेवल पे बदलेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी समझना जरूरी है। अगर मान लो बदल भी गई, उससे फर्क क्या पड़ता है? तो अब आप किसी का बुरा नहीं करोगे, मतलब उस मतलब क्यों नहीं करेंगे? आप जैसे बात करते हो कि हम कलेक्टिव लेवल पे, कॉमन सेंस के लेवल पे काम करेंगे, आउट ऑफ ग्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि वो मी से इतनी अटैचमेंट नहीं है। वो वैसे भी लोग होते हैं, मतलब उसको, वो जो सच को नहीं भी जानते हैं, ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, दोज हु हैव गॉट नथिंग टू डू विद द ट्रूथ, बट उनको इतनी कॉमन सेंस है कि मुझे सामने वाले के साथ में वैसे ही बिहेव करना है जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सामने वाला मेरे साथ में बिहेव करे, या आप ये कह लो कि वो लोग मेरे से भी अच्छे तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो फिर अब ये पॉइंट कहाँ से आया कि इसको जान करके ये हुआ वो तो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जान गया, क्या वो कोई मास लेवल पे गलत काम करेगा? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, बट गलत और सही क्या है, किस वे में आप गलत कह रहे हो? इन द सेंस कि किसी और, मतलब किसी भी बीइंग को नुकसान पहुंचाएगा वो? अगर सबके भले के लिए किसी एक बीइंग को या दो को, मान लो वो जज है कोर्ट में और वो किसी को वो दे रहा है, पनिशमेंट दे रहा है क्योंकि उसकी वजह से पूरी सोसाइटी खराब हो सकती है, तो वो तो नहीं करेगा, बट इंटेंशनली नहीं करेगा। वही ना, बदलाव तो आ गया ना, फिर थोड़ा सा तो बदलाव आया कि शायद फर्क क्या पड़ता है। चलो इसको ऐसे देखो, किसी ने मॉरल साइंस की कोई बुक पढ़ी और उसके अंदर बदलाव आ गया, तो क्या आप इसको इसलिए पढ़ रहे हो कि वो पढ़ करके आप मॉरली अच्छे हो जाओगे? वो तो मॉरल साइंस की बुक पढ़ के ही हो जाओ, उसके लिए इसकी क्या जरूरत है? वो तो स्कूल में सिखाते हैं मॉरल साइंस, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, यू मस्ट हैव लव एंड कंपैशन एंड ऑल दैट। तो उस सब का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मे बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट और मे नॉट बी, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आप अपने आप को जज करने लग जाओगे अपने एक्शंस को कि अरे मैंने तो ये जान लिया, अब मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं कहता रहा हूं ये सब बकवास है, इसको देखो ध्यान से समझो, इसको बोलते हैं धर्मा। धर्मा मतलब क्या है? लॉज। अब धर्म का बाद में मीनिंग चेंज हो गया, वो रिलीजन बन गया, बट धर्म मतलब लॉज। तो बेसिकली आपकी बॉडी का अपना एक धर्म है, उसके हिसाब से कर्म करना होता है, चाहे आप सच को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, आपकी अपनी बॉडी की एक कंपोजिशन है, उसी तरह से उसी फ्लो में चलोगे तो बेटर रहेगा, उसमें जरूरत से ज्यादा छेड़खानी करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो बल्कि आप इससे हट जाओगे क्योंकि वो बीच में आ गया, क्यों उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? जैसे चल रहा है चलने दो, अगर कुछ बदलना होगा बदलेगा, नहीं बदलना होगा नहीं बदलेगा, क्या फर्क पड़ता है? मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा श्री निसर्ग दत्ता महाराज का, उन्होंने जान लिया सच को फिर भी वो बीड़ी पीते थे, तो क्या बदला? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इंसान है उसने सच को जान लिया, पहले वो नॉनवेज खाता था अभी भी खाता है, क्या बदला? वो खा पाएगा नॉनवेज? हाँ खा पाएगा, क्यों नहीं खा पाएगा? उसको पता है कि ये और मैं एक ही है, और इसको मार के चीर के फाड़ के किसी तो ने एक ही है तो क्या फर्क पड़ता है, खा लो। हम इसको तो नहीं काटते, हम किसको नहीं काटते? अपने हाथ को तो काट के नहीं खाते, भूख लगती है तो, लेकिन उसको काट के खा लेते हैं अगर, तो फिर तो डिवीजन आ रहा है ना वहाँ पे भी, अगर उसको काटने में उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, डिवीजन रहेगा, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। देखो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, और यहीं पे जाकर के लोग फंस जाते हैं,
इसको और सिंपल करता हूँ कि अगर कोई इंसान है जिसने सच को जान लिया है, इसका मतलब तो यह है कि अगर वो कुछ खा रहा है और उसको कोई दूसरा भूखा दिख रहा है, वो जा करके खुद नहीं खाएगा, उसको दे देगा? नहीं। या इसको ऐसे देखो, चलो अपने ऊपर आपसे ही मैं सवाल पूछता हूँ। एक तरफ आपकी मदर है, एक तरफ कोई ऐसी औरत है जिसको आप नहीं जानते हो, और डॉक्टर कहता है दोनों में से एक कोई बचा पाएंगे, किसको बचाओगे? अपनी मदर को। अच्छा, एक तरफ 10 औरतें हैं, एक तरफ आपकी मदर है। अब डॉक्टर कहता है या तो वो 10 बचेंगी या ये एक बचेगी, किसको बचाओगे? अपनी मदर को। तो क्या बदला? आप बहुत बुरे इंसान हो गए, आपने तो 10 को मार दिया, उन 10 की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं थी क्या? मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं बदलता है। इस सच को देखना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही सच को आप देख लेते हो तो अब आप में और औरों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। आपकी ईगो क्या चाहती है कि अब मैंने सच को जान लिया है, अब मैं सुपीरियर हो गई हूँ, अब मैं स्पिरिचुअल हो गई हूँ, बाकी लोग जो हैं वो नॉन स्पिरिचुअल हैं और वो इन्फीरियर हैं। वो भी तो एक मैं है फिर। वही तो मैं है और क्या है, हर जगह ही मैं है। मैं तो रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप में, मुझ में, इसमें, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो फर्क आ जाता है या फर्क है, यही बकवास है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, अब आप वहां से फ्री हो गए, नहीं तो वहीं पे बिजी हो। अब बार बार अपने एक्शंस को जज करते चले जा रहे हो कि मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ। फिर क्या हो रहा है, आप अननेसेसरी वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो जहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। अरे जो जैसे चल रहे चलने दो ना, कुछ बदलना होगा बदलेगा, नहीं बदलना होगा नहीं बदलेगा। अपने काम पे ध्यान दो ना। काम क्या है, समझो कि सच क्या है। दूसरा काम क्या है इस दुनिया में अपना पेट भरने के लिए, कोई जॉब कर रहे हो कहीं पर, करते रहो। आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आने के बाद वेजिटेरियन हुए थे, आप पहले नॉनवेज खाते थे, व्हाट वाज योर रीजन देन? दैट इज ओके बट डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं था? आई डोंट थिंक सो। उसमें एज सच डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था। इनडायरेक्टली तो आप किसी भी चीज को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी आप मान लो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, कल मैं नॉन वेजिटेरियन हो जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये जो सोच है ना, ये बहुत ही नैरो है, बहुत ही लिमिटेड है। आप वैसे ही सोचते हो जैसे आप सोचना चाहते हो। आप क्या करते हो कि पहले हम सामने वाले को एक फ्रेम में फिट कर देते हैं, वो सच को जानता है, वो एनलाइटेंड है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बहुत अच्छा इंसान है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग सोचने लग जाते हैं। वही तो क्या हो कि अगर मैं आपको कहूं कि मैं आज भी थोड़ा बहुत नॉनवेज खाता हूं, तो टूट गए ना आपके सारे प्री कंसीव नोशंस। जो बदलना है वो वैसे भी बदलता रहता है, जो नहीं बदलना है वो नहीं बदलता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है, तो अब ये वाली इन्फॉर्मेशन है तो अब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है एक्शन, पहले उस इन्फॉर्मेशन के। इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी बदल रही है, जैसे आपने मॉरल साइंस वाली बुक के बारे में बोला, इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है, बट इन्फॉर्मेशन इज नॉट द रियलिटी, द आइडियाज ऑफ ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ। एट द लेवल ऑफ ऑपरेशन एक्चुअल में कुछ नहीं बदलता है। ये सिर्फ कहानियां हैं जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हैं कि इस इंसान को सच समझ आ गया है, फिर वो एकदम ही बदल गया है, एकदम ही कंपैशनेट हो गया है, बिल्कुल धीरे बोलने लग गया है, पोलाइट हो गया है, उसकी वाणी बिल्कुल मीठी हो गई है, और उसके आँखों में और उसकी बातों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, उसके दिल में सबके लिए सिर्फ प्रेम है, करुणा है। ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है बातें। यही कहानियाँ सुन सुन करके हम सारे बड़े हुए हैं। इन कहानियों से ही फ्री होना है। लाइफ ऐसी नहीं है एक्चुअल में। लाइफ कैसी है ये जानना चाहते हो? हर इंसान के अंदर अच्छे से अच्छा भी कुछ बैठा है, और हर इंसान के अंदर बुरे से बुरा भी है। भगवान भी है, शैतान भी है, जिसको भी आप भगवान का कॉन्सेप्ट समझते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग भगवान जैसी वर्ड आता है तो वो बोलते हैं अच्छा। तो हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। लाइफ को बाइनरी में देखना बंद करो, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। हम ऐसे ही देखते हैं लाइफ को, बहुत ही नैरो तरीके से देखते हैं। उसके पीछे एक रीज़न भी है, मे बी बॉलीवुड का उसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बॉलीवुड में क्या होता है, जो भी आप मूवीज देख करके बड़े हुए हो, उसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा होता है ये हीरो है ये विलन है। क्या हो मैं कहूँ कि जिसको आप हीरो समझते हो उससे बड़ा विलन इस दुनिया में कोई नहीं है, और जिसको विलन समझते हो वो तो एक्चुअल में हीरो है। तो सारे फंडे हिल जाएंगे, लोग कहेंगे क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। लाइफ ऐसी नहीं होती है। लाइफ को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा कितनी लेयर्स हैं उसमें। हमेशा एक एस्पेक्ट को देखते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग सोचने लग जाते हैं और उसी के लेवल पे आप एक्ट करने लग जाते हो। अब आप क्या कर रहे हो, आपके माइंड में मेरी एक इमेजिनेशन बनी हुई है, जो भी मैंने कहा है उसके बेस पे, और मैंने किस स्टैंड पॉइंट से कहा है वो तो आपको पता ही नहीं है।
तो आपने अपनी एक इमेजिनेशन बना ली है कि अच्छा ये करके ना फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है। अब मेरी हर बात को आप उसमें फिट करते चले जा रहे हो और वो इमेज और स्ट्रांग होती चली जा रही है। और वो इमेज किससे लिंक हो रही है? जो भी मूवीज में आपने अच्छे कैरेक्टर्स को देखा है उससे, और जो भी कहानियां पढ़ी है इधर उधर उससे, वो सब मिला करके एक इमेज बन रही है। मान लो माइंड में एक बुद्ध की इमेज बनी हुई है, तो उसको भी आपने जोड़ दिया, उसको भी जोड़ दिया, सबको मिला करके एक इमेज बना दिया, जबकि रियलिटी में एक्चुअल में मैं जो हूँ वो उससे बिल्कुल अलग है। आई एम 100% श्योर, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं क्या हूँ, आपको तो पता ही नहीं है। सो इन इमेजेस को छोड़ो, अपने इन प्रेफरेंसेस को छोड़ो, अननेसेसरी अपने माइंड में इमेजिनेशंस मत बनाओ। इमेजिनेशंस का मतलब यही है, इमेज का नेशन, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ पे इमेजेस हैं, उस दुनिया में आप कैद हो, तो उससे फ्री हो जाओ, फिर सच थोड़ा बहुत नज़र आना शुरू हो जाएगा। उससे पहले सच ही सिर्फ बातें हैं। सच को अगर हमको देखना है एज इट इज़, तो पहले हर तरह के प्री कंसीव नोशन से फ्री होना पड़ेगा। ये दुनिया जैसी थी, जैसी है, वैसी ही रहेगी। बिल्कुल ऐसा है, एक नदी का बहाव है जो बहुत तेज बह रही है, उसमें एक छोटा सा बुलबुला होता है जिसको ये लगता है कि मैं इस नदी के बहाव को बदल दूंगा। सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बट वो नहीं बदलता है। सब कुछ वैसा का वैसा रहने वाला है जैसा था, मतलब जो अभी हो रहा है उसके बेस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगले 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद ऐसा कुछ होने वाला है बेस्ड अपॉन जो भी पास्ट में हुआ है। तो क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। अब इस वर्ल्ड में क्या आ गया? आप भी आ गए। अपने आप को अलग मत करो इससे कि मैं बदल जाऊंगी, दुनिया का भाव ऐसे चलेगा लेकिन मैं बदल जाऊंगी। कैसे हो सकता है? अगर वो हो भी गया तो उसमें बड़ी बात क्या है? इतना उसको इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है? माइंड में थॉट तो वैसे भी एनीहाउ बदलेगा ही बदलेगा। वो आप अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड में, और कुछ नहीं, अपने आप को प्रिजर्व कर रहे हो। ये सेल्फ प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म है जो हमारे सबके अंदर फीडेड है। आप क्या इमेजिन कर रहे हो कि मैं पहले ऐसी थी, अब ये पढ़ने के बाद में, ये सुनने के बाद में, ये समझने के बाद में अब मैं ऐसी हो जाऊंगी? कैसी? ये जो मेरा आइडल है, आइडल कौन है? ये है मेरे माइंड में, और इस आइडल के साथ में और भी बहुत सारे आइडल जुड़े हुए हैं, तो ये कंबाइंड आइडल है, मुझे ये बनना है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो आइडल ही झूठ है, उसको छोड़ दो। अब क्या बचा रह गया? अब तो वो जर्नी ही खत्म हो गई ना आपकी। प्रेजेंट से जो फ्यूचर की जर्नी थी उसी को हमने खत्म कर दिया, उसको तोड़ दिया। अब क्या बचा रह गया? बस ये बचा रह गया, प्रेजेंट मोमेंट। अब देखो इस मोमेंट में क्या है। पास्ट खत्म हो गया, फ्यूचर खत्म हो गया, क्योंकि ये पास्ट ही उस फ्यूचर के आइडल को क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, और वो आपको प्रेजेंट में भगा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, भागना दौड़ना बंद, ठहर जाओ, रुक जाओ, कुछ होने ही नहीं वाला है। तो आप होपलेस हो गए। आउट ऑफ दैट होपलेसनेस कम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज, नॉट होपलेस इन द सेंस जैसा हम समझते हैं। आप दुखी नहीं हो गए हो, इसको बोलते हैं उदासीन हो गए, ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नॉट अदरवाइज। कि स्पिरिचुअलिटी में या साइकोलॉजिकली आपको ये समझ आ गया है कुछ भी नहीं होने वाला है, कि साइकोलॉजिकली जो भी मेरे सपने हैं वो सब झूठ है, ये आपको मोटा मोटा समझ आ गया। अब आप जो अभी है उसको देख सकते हो। अब आप इस साइकोलॉजिकल पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इससे फ्री हो, माइंड से फ्री हो, थॉट से फ्री हो। अब आप एज इट इज देख सकते हो रियलिटी को इंस्टेंटली। इसलिए नहीं देख रहे हो कि उसको देख करके कुछ होने वाला है। आपको क्यों लग रहा है कुछ होने वाला है? क्योंकि आपको लग रहा है पास्ट में किसी के साथ में कुछ हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, ये सच है। और अगर कोई कह रहा है कि कुछ हुआ है तो वो भी अपनी इमेजिनेशन में। हर कोई अपने अपनी अलग ही ट्रिप में है, और हो सकता है वो जो कह रहा है कि कुछ हुआ है वो हुआ भी हो, बट वो किसी और स्टैंड पॉइंट से कह रहा है, आप किसी और ही स्टैंड पॉइंट से समझ रहे हो, तो समझ ही क्यों रहे हो? जो हुआ उस सबको छोड़ दो ना, जो है उसको देखो ना। जो हुआ, जो होने वाला है उसके बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उसको छोड़ दो। जो हो रहा है उसको देखो ना, तो उसमें फिर नजर आने लग जाता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, आई डोंट नो, अब देखो। और भी बहुत लोग हैं जो इस वर्ड को यूज करते हैं, इस फ्रेज को यूज करते हैं, आई डोंट नो, बट इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, इसकी डेप्थ क्या है। जो उनकी बुक है ना, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, मतलब क्या कि डोंट से आई डोंट नो, सी दैट यू डोंट नो। दोनों में बड़ा फर्क है। एक है, एक इंसान बोल रहा है आई डोंट नो, अब मैं देख रहा हूँ, अरे नहीं, आपको एक्चुअल में नहीं पता है। रियलिटी इज दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट
whatever is there in this world, that is the reality. खत्म हो गई ना बात वहां पर, जो सच है सो है, ये एक सच है कि जो भी अननोन का जो स्पेस है वो आपके नोन के स्पेस से करोड़ों अरबों गुना इन्फिनिट टाइम्स बड़ा है। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ अननोन है वो नोन से बहुत बड़ा है साइंटिफिकली भी, तो ये सच है। जहां पर सच होता है वहां पे कुछ बोलने की या किसी स्टेटमेंट की कुछ जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो सच है सो है। जो झूठ होता है उसको इंटरप्रेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कहानियों को इंटरप्रेट किया जाता है, जो सच है सो है, तो इसको देख लो इस सच को। आई डोंट नो, फिर जो होता है वो दिखने लग जाता है। आई थिंक आज का जो सेशन है वो यहीं पे हम रैप अप करते हैं, बाकी जो पॉइंट्स रह गए हैं उसको नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे।